हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जो विज्ञान विषय का दूसरा चैप्टर है आपका 10वीं क्लास का, अमल, क्षार और लवण के अगले हिस्से की। एक पार्ट इसका मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके वो ज़रूर देखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, ठीक है। अगले हिस्से की बात करते हैं हम। हमारा टॉपिक था अम्ल, क्षार और लवण। तो कल हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अम्ल के बारे में बहुत सारी बातें हमने करी थी कि ये जो है टेस्ट में खट्टा होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और हम हाइड्रोजन रिलीज करता है जब इसकी रिएक्शन जो है किसी मेटल से होती है, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ी थी। उसी में आगे चलते हैं हम, तो एक स्पेसिफिक कंसेप्ट जो है अम्ल से रिलेटेड वो करते हैं। अम्ल के दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है स्ट्रोंग एसिड और एक होता है वीक एसिड, यानी कि स्ट्रोंग को बोलते हैं प्रबल अम्ल, और ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल। तो ये जो टर्म है ये अगर हम सीखें, उससे पहले एक और बात करते हैं, ठीक है, कि जो एसिड है, अम्ल है, सभी अम्ल में कॉमन क्या होता है, सभी अम्ल में कॉमन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने HCl लिया और अगर मैं इसको वाटर से रिएक्शन करवाता हूँ, पानी में डालता हूँ, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, ये अपना H पॉजिटिव जो है ना वो इस वाटर को दे देगा, और दे देगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O पॉजिटिव। ये वाला H किसके पास चल गया, इसके पास, ठीक है, और Cl नेगेटिव बच गया। कहने का मतलब ये है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूट गया, ठीक है। इसी तरीके से H2SO4 को मैं वियोजित करता हूँ तो वो भी H पॉजिटिव, ठीक है, और HSO4 के अंदर टूट जाएगा। HNO3 को अगर मैं वियोजित करता हूँ तो वो भी H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर वियोजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ इनके अंदर कॉमन आ रही है, H पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी अम्ल जल के संपर्क में आने पर, जल के संपर्क में आने पर एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये कि अगर जल नहीं है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक केस के अंदर ही H पॉजिटिव निकालेंगे, बिना जल के ये अम्लीय प्रवृत्ति शो नहीं करते, ठीक है। तो एक एसिड का ये गुण भी हो गया कि अम्ल कोई भी हो, जल के संपर्क बिना अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव जो है ये कॉमन हो गए, ठीक, H पॉजिटिव सभी अम्ल में। तो अब स्ट्रोंग एसिड या प्रबल अम्ल है ना, उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और दुर्बल अम्ल के अंदर क्या होता है, जो H पॉजिटिव के नंबर है वो कम होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल में एग्जांपल ले सकते हैं आप HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, और जो दुर्बल अम्ल है उनके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल,
फॉर्मी कमल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ये होगी वीक एसिड। तो वीक और स्ट्रोंग और एसिड में कॉमन क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ी जो बात है वो करते हैं अब क्षार की। आगे बात करते हैं क्षार की। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस, ऐसे रसायन जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर, उनको बोलते हैं शार्क, शार, ठीक है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन होगी, जैसे स्वाद में खट्टे अम्ल थे तो स्वाद में कड़वे क्या हो जाएंगे, बेस या शार्क, ठीक है। शार्क भी बोलते हैं इनको और शार भी बोलते हैं। तो अब ये चीज हर एक कड़वी हो वो सभी शार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर आगे फर्दर इनकी जो डेफिनेशन है उसमें सुधार होता गया, होता गया, और टाइम के साथ उनके अंदर जो है मॉडिफिकेशन भी आता गया। तो अब पहचान कैसे करें इनकी कि ये बेस है या एसिड, अम्ल है या क्षारक है। तो इसके लिए भी वही शब्द यूज करूँगा मैं, सूचक, यही वो केमिकल होते हैं, डाई होती है, अलग अलग रंग बदलते हैं ये, तो पता चलता है क्षार है या अम्ल है। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं लाइकेन से प्राप्त लिटमस की बात करूंगा, लिटमस की, ठीक है। और लिटमस जो है ये सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस का पेपर भी होता है। दो तरीके का होता है लिटमस, एक होता है नीला और एक होता है लाल, ठीक है। तो एसिड में हमने पढ़ा था कि नीला लिटमस लाल में बदल जाता है, तो बेस जो है ना वो ऑलमोस्ट एसिड का अपोजिट होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसे रसायन जो लाल लिटमस को नीले में बदल दें वो सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH2 होता है जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हो आप, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ क्षारक हैं जो डेली यूज हो रहे हैं हमारे घरों में, डोमेस्टिक जो है पर्पज उनके अंदर, जैसे NaOH, KOH है, ये किन के अंदर होते हैं, जो साबुन होती है नरोल उनके अंदर यूज होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कली होती है जो दीवारों पे पुताई करते हैं, वाइट वाश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चूने को ठंडे पानी में डालने पे बनती है, ये आगे बात करेंगे। ये सभी साल्ट आपके आएंगे, सभी बेस जो है वो आपके यूज में आएंगे आगे। तो उसके बाद अगर मैं चलूँ आगे, तो जो क्षारक होते हैं उनकी एक विशेष कैटेगरी होती है जिनको बोलते हैं एल्कली, ठीक है, एल्कली क्षारक। तो एल्कली कौन से क्षारक होते हैं जो जल में विलय होते हैं, जल में विलय क्षार, जल में विलय क्षार जो होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली या क्षारक। जैसे NaOH जो है वो जल में घुलता है, KOH है वो जल में घुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्षारक है वो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा था, वैसे इसके भी दो वेरिएंट होते हैं क्षारक के, एक होता है दुर्बल क्षार और एक होता है प्रबल क्षार, ठीक है। दुर्बल प्रबल, वीक स्ट्रोंग बेस, ठीक है। तो दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, ठीक है, और प्रबल क्षार कौन से होते हैं, इन दोनों का पता करें। उससे पहले एसिड की तरह अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि जो बेस होते हैं उनके अंदर कॉमन क्या होता है, ठीक है। तो
यही लिख देता हूँ। चलो शार में कॉमन क्या होता है, सभी शार में कॉमन क्या होता है, ठीक है। तो देखो NaOH को जब आप जल में ले लेंगे तो ये भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। KOH को आप वियोजित करेंगे तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वियोजित करेंगे तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव के अंदर वियोजित हो जाएगा। यानी कि क्षारक के अंदर ये OH नेगेटिव आयन जो है ना, ठीक है, ये साधारण रूप से निकल रहे हैं और ये कॉमन है, सभी में निकलते हैं। इसलिए जो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, वो जो क्षारक हैं उनके अंदर सभी में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो अब द्रुबल और प्रबल को कैसे डिफाइन करेंगे, जिनके अंदर क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में बनते हैं, कम मात्रा में बनते हैं, वो द्रुबल क्षार होते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। और प्रबल क्षार वो होते हैं जिनके अंदर, जिनमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, ठीक है। जैसे KOH है, NaOH है, असल में होता क्या है कि ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और ये पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और ये वीक, जो वीक हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, अब अगले वीडियो में फिर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड वीडियो भी 6 पार्ट में अलग अलग मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो 10th क्लास साइंस के नाम से जो चैप्टर प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वो सब देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।